राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर के कह रहे कि देश के सामने इनका असली चेहरा आ गया है। इस बीच खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है। खड़गे ने कहा, मुझे जो निमंत्रण दिया गया वो पर्सनल है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आस्था रखने वाले लोग आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। मैंने 6 तारीख को ही बयान दिया था, जिसकी जो इच्छा है वो वैसे करे। फिर भी पलट पलट कर हम पर वार करना ठीक नहीं है। ये बीजेपी की साजिश है और वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं है। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया था। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकराते हुए कहा था कि बीजेपी और RSS चुनावी लाभ के लिए ऐसा कर रही हैं। कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक, ऐसा इसलिए क्योंकि विधि विधान से चारों पीठों के शंकराचार्य की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सफाई में क्या कुछ कहा वो सुन लीजिए। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको कहा था हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको डिटेल देंगे, तो आज उन्होंने सारी चीजें कही है और हमारा जो कहना है, या इससे पहले अगर आप पेपर निकाल के देखेंगे तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया, उसमें स्पष्ट है। मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूं, फिर भी उसको पलट पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है बीजेपी की और बीजेपी यही मुद्दे को बार बार उठा रही है। मैं तो 10 दिन पहले बोला हूं, फिर अब क्यों उठा रहे आप? तो ये हमारा जो है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी रिलीजन, किसी धर्म को, किसी गुरु को, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ है कि मोदी जी जनता के लिए अनएम्प्लॉयमेंट में क्या काम कर रहे, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कदम उठाए, बॉर्डर इश्यू पे क्या कदम उठाए। जब चाइनीज ये बता रहे हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और जो गरीबों लोग आज तंग और तबाह हो गए, युवक भी बहुत रोड पे गिरे हैं, तो उनकी चिंता हमको है, उसके बारे में हम उनको पूछ रहे हैं, ना कि इसके बारे में। वही पवन खेड़ा ने सवाल किया कि राम मंदिर में कौन आएगा और कौन नहीं, ये बताने वाले आप कौन है? प्राण प्रतिष्ठा में VVIP एंट्री लगाने वाले आप कौन है? कैमरों की फौज लेकर के आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन है? विज्ञापन में भगवान राम को उंगली पकड़ा करके चलाने वाले आप कौन है? क्या आप भगवान राम से ऊपर हैं? खेड़ा ने कहा कि ये कोई राजनीतिक दल तय नहीं कर सकता कि मैं भगवान राम से मिलने जाऊं या न जाऊं। मंदिर में कम से कम किसी इंसान को तो नहीं बुलाया जाता है और न ही किसी को रोका जाता है, लेकिन यहाँ तो एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर के बीजेपी ने निशाना साध रही। बीजेपी ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया, इसमें खड़गे सोनिया गांधी की फोटो डालकर राम विरोधी कांग्रेस लिखा हुआ है। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है कि भगवान श्री राम का विरोध है कांग्रेस की परंपरा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है, कानून सम्मत निर्माण हो रहा है, इस बार यह हाल होगा कि वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था और एक मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ का वैकल्पिक भूखंड मुहैया कराने के लिए आदेश दिया था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित हजारों लोग शामिल होंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।